हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनीता लाइफस्टाइल इन ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ रुद्रपुर से मैनपुरी बाय रोड फोर व्हीलर में। फ्रेंड्स, रोड्स पे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ट्रैवल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर पैदल या फिर साइकिलिंग करना। फ्रेंड्स, जब रोड पे मैं सफ़र करती हूँ, साइड साइड में जो जंगल या ये जो हरे भरे पेड़ दिखते हैं ना, इसको देख के मतलब बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं आप लोग से भी बोलूँगी, अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब से जब बोर हो जाते हैं, कभी डिप्रेस फील करते हैं, कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यार स्ट्रेस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप लोग रोड पे निकलिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई फोर व्हीलर में ट्रैवल करे या ट्रांसपोर्टेशन में हम बस का ही यूज़ करें, कोई ज़रूरत नहीं यार उसकी। अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से निकलिए, पैदल निकलिए। पैदल निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब ये हरे भरे पेड़ देखेंगे ना, प्रकृति को पास से देखेंगे ना, आपको सीरियसली अंदर से बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत जब आप लोग एक ही रूटीन में रहते हैं, इनफैक्ट जब मैं खुद भी एक ही रूटीन में रहती हूँ, तो यार एक टाइम के बाद लगता है कि यार कुछ है ही नहीं, लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक जैसा लगने लगता है। तो आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर से बाहर निकलिए, कम से कम 5 किलोमीटर आप किसी एक हाईवे पर ट्रैवल कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कहीं पर भी जाएँ तो वॉकिंग करते हुए जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से अच्छा लगेगा, आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस को रिलीव कर पाएंगे। और जो इस तरह के जो ढाबे होते हैं ना, यहाँ तो यार जरूर रुकिए। आपको 5-स्टार रेस्टोरेंट में वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको इस तरह के ढाबे पे मिलेगा। वैसे ये ढाबा मुझे मिला था बरेली से मैनपुरी का जो रूट है ना, उस पर ये था रोड साइड ढाबा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी वाली हवा चल रही थी। और ये जो मेरे साथ में डॉक्टर्स हैं, ये जितने आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, ये सभी डॉक्टर्स हैं। ये ढाबा बहेड़ी और बरेली के बीच में है। यहाँ रुक के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा जितना अच्छा तो मुझे रेस्टोरेंट में नहीं लग रहा था। यहाँ पे यार ढाबे पे जो नेचुरल जो लुक रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है आपको। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितना हो सके उतना प्रकृति के करीब जाइए। आप घर में रहते रहते सेम शेड्यूल में वहीं बोर हो जाते, एक ही शेड्यूल से यार स्टक रहना, कोई भी बोर हो जाता है, मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो वैसे में कोशिश करिए घर से बाहर निकलिए, इस तरह के ढाबे पे रुकिए, कुछ मत कीजिए यार, एक कप चाय पीजिए, थोड़ी देर बैठिए, बस इधर उधर देखिए, पेड़ों को देखिए, थोड़ा सा हवा खाइए, उसके बाद आप वापस अपने घर चले जाइए। लेकिन इतना ही करने से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरी फ्रेंड डॉक्टर जसलीन। फ्रेंड्स, ये ढाबा बहुत ही अच्छा लग रहा था, और स्पेशली ये जो इन्होंने घास का या बैम्बू का शायद ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये प्रॉपर तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ बैठने में तो मुझे बहुत मज़ा आया, और आसपास जो ग्रीनरी थी ये भी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुंदर सुंदर पेड़ लगे थे आम के, और यहाँ पर मैंने तो खैर कॉफ़ी पी, बाकी लोगों ने चाय पी, और उसके बाद वापस हम बैठ गए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से मैनपुरी तक। और ये ढाबा देखिए बाहर से कितना अच्छा लग रहा है, जब बाहर से इतना अच्छा लग रहा था यार, बैठने में तो और भी अच्छा लगता होगा। फ्रेंड्स, ये हम लोग टोल प्लाज़ा पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम लोग अब बरेली से निकलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस रीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, सो अगर मैं कुछ गलत बताऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैं गलत हूँ, या जो भी प्रॉपर जो जगह का नाम होगा वो आप मुझे बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप किस टॉपिक पर मेरे से वीडियो चाहते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इटावा में रह रही हूँ, अगर आप इटावा की किसी प्लेस का वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेंड्स, ये है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा था, अब अंदर तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मैं रोड से ही ट्रैवल कर रही थी। सो अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको रेलवे स्टेशन भी ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरे साथ मेरा बेटा पूरी फुल मस्ती कर रहा है।
सुथरी रोड देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई मेंटेन करना यार उतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम लोग ने उसको डिफ़िकल्ट बना रखा है। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब तक कि गवर्नमेंट बैन ना करे तब तक उसका यूज़ लगभग बहुत ही मुश्किल है, उसका यूज़ लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन यार डस्टबिन तो है हमारे पास, एटलीस्ट हम लोग डस्टबिन का तो यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट को प्रॉपर वे में डिस्पोजल तो उनका हो सकता है ना। हम जो भी जैसे लाइक कुरकुरे खा रहे हैं, कोई भी स्नैक्स खा रहे हैं, तो हम उनके जो रैपर है उनको ऐसी रोड पे फेंकना, खेत में फेंकना, ये सब चीज़ें गलत है। उनको आप प्रॉपर वे में डिस्पोज कीजिए, जहाँ डस्टबिन है आप वहाँ डालिए। अगर आसपास आपके डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो उसको अपने पास आप रख लीजिए, घर पर आइए, घर में आके आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, मेरा मानना है कि साफ़ सफाई मेंटेन करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और ये चीज़ हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं और अपनों के लिए कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं। जहाँ जितनी साफ़ सफाई मेंटेन होगी वो हमें ही अच्छा लगेगा, हमें ही घूमने में अच्छा लगेगा। जब चारों तरफ कचरा रहेगा तो हम लोग घूमेंगे कहाँ पर। फ्रेंड्स प्लीज़ जितना पॉसिबल हो उतना आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। ऐसे जो हरे भरे जो पेड़ वाले जो एरिया दिखते हैं ना, वो मुझे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इन सब एरियाज़ को देख के मुझे याद आ जाते हैं जो अपना टाइम जब मैं डिफेंस कॉलोनीज में रहती थी, और इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये आसपास में डिफेंस कॉलोनीज ही हैं, क्योंकि वहीं पर ही इतनी ग्रीनरी मेंटेन रहती है और इतनी साफ़ सफाई मेंटेन रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ पर भी इतनी ग्रीनरी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, हम लोग अब मैनपुरी पहुँचने वाले हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।